हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी साइंस की क्लास एट का चैप्टर टू माइक्रो ऑर्गैनिज्म फ्रेंड एंड फो का पार्ट टू सो so, पिछली वीडियो में हमने ये सब डिस्कस कर लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से फ्रेंडली होते हैं कौन से हार्मफुल होते हैं ठीक है वायरसेस और कौन से तरीके होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमने ये सब देख लिया था अब थोड़ा हम आगे और डिस्कस करेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं सो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीजेज़ इन ह्यूमन एंड प्लान्टल्सो इन अदर एनिमल तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन या फिर प्लांट में ही डिजीज कॉज नहीं करते बल्कि दूसरे कुछ एनिमल्स में भी uh, कुछ माइक्रो ऑर्गैनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम तो एंथ्रैक्स जैसे एक बीमारी है ये डिजीज़ है जो कि ह्यूमन को भी होती है और जानवरों को भी होती है ठीक है और ये बैक्टीरियाज़ की वजह से होती है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस डिज़ीज़ है फूट और एंड माउथ डिजीज़ ऑफ़ कैटल इज़ कॉज बाय अ वायरस फूट एंड माउथ डिजीज़ जो होती है कैटल को होती है वायरस की वजह से डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में कौन से होते हैं तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट राइस पटैटो शुगर केन ऑरेंज एप्पल एंड अदर तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि प्लांट्स लाइक हो गया गेहूँ हमारे हो गए चावल आलू ठीक है और गन्ना हो गया संतरा हो गया सेब और दूसरे कुछ ऐसे प्लांट्स में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम बहुत सारे होते हैं जो डिजीज़ कॉज कर देते हैं द डिजीज़ रिड्यूस यील्ड ऑफ क्रॉप्स डिजीज़ अगर हमारे क्रॉप प्लांट्स में अगर बैक्टीरियाज ज कर देते हैं तो उससे हमारी उपज अच्छी नहीं होती है C. 2. 2 for some such plant diseases. So, आप डेबल टू पॉइंट टू पर देख सकते हो कुछ प्लांट डिजीजेस के बारे में देखने के लिए आप पहले ये पढ़ लेते हैं हम ये येलो बॉक्स की रॉबर्ट कोच इन एटीन सेवनटी सिक्स डिस्कवर द बैक्टीरिया विच कॉजेस डिजीज तो रॉबर्ट कोच ने उस बैक्टीरिया की खोज करी 1876 में कब 1876 में बैकेलस एंथ्रेसिस ये जो बैक्टीरिया है मतलब पर्टिकुलर कॉमनली बैक्टीरियम है बैक्टीरियम ही एंथ्रैक्स डिजीज कॉस करता है लेकिन प्रॉपर में कौन है बैकेलस एंथ्रेसिस ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि एंथ्रैक्स डिजीज कॉस करता है अब आगे देखते हैं दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स तो हम प्लांट डिजीज को कैसे रोक सकते हैं कुछ केमिकल्स यूज़ करके जो कि ऐसे माइक्रोब्स को मारती है फूड पॉइजनिंग हम लोग देखते हैं तो बूझों ने इनवेंट इन्वाइटेड uh, बूजो अपने फ्रेंड के द्वारा इनवाइट किया गया था पार्टी में और उसने बहुत सारा खाना खाया वहाँ पर ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल घर पहुँच के बूजो ने उल्टी करनी स्टार्ट कर दी वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा द डॉक्टर सैड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग डॉक्टर ने कहा कि ये कंडीशन जो है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि पहली बोलती है पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम पॉइजन कि फूड हमारा जहर कैसे बन सकता है तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गैनिज्म फूड पॉइजनिंग कब होती है ठीक है जब हम मतलब हमारे जब कुछ माइक्रो ऑर्गैनिज्म जो है हमारे फूड को खराब कर देते हैं छड़ा देते हैं तो उसे ही हम लोग फूड पॉइजनिंग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गैनिज्म दैट ग्रो ऑन आर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज तो माइक्रो ऑर्गैनिज्म जो कि हमारे फूड पर ग्रो करते हैं वो कभी कभी जहरीली सब्सटेंसेस भी हमारे फूड पर प्रोड्यूस कर देते हैं दीज मेक द फूड पॉइजनिंग कॉजे सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ तो क्या होता है जब हमारे फूड पॉइजनिंग poison, uh, हो जाती है तो कोई हमें सीरियस बीमारी भी हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है सो so, बहुत जरूरी है कि हम अपने फूड को प्रिजर्व करके रखें और सड़ने से बचाएं ठीक है प्रिवेंट करें फूड का हम लोग uh, प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं चैप्टर वन में वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन चैप्टर वन हमने जो देखा था एग्रीकल्चरल मेथड जिसमें थे तो उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करके स्टोर स्ट, कर सकते हैं लेकिन हम कुकड फूड को घर पे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं तो आपको पता है कि ब्रेड जो घर पे अनयूज रहती है मॉइस कंडीशन में उस पर फंगस लग जाती है ठीक है मतलब न, न, नमी वाली कंडीशन में जब ब्रेड हम ऐसे रखे रहते हैं बहुत टाइम तक उसमें फंगस का अटैक हो जाता है माइक्रो ऑर्गैनिज्म स्पॉइल आर फूड माइक्रो ऑर्गैनिज्म हमारी फूड को खराब कर देती है स्पॉयल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर तो जो सड़ा हुआ फूड होता है जो स्पॉयल फूड होता है उसमें से बदबू भी आती है और उसका बहुत बेट उसका टेस्ट चेंज हो जाता है कलर भी चेंज हो जाता है तो क्या जब हमारा फूड स्पॉयल होता है क्या वो एक केमिकल रिएक्शन है पहले कुछ मैंगोज लाई लेकिन वो उन्हें कुछ दिनों तक खा नहीं पाई लेटर उसने देखा कि वो मैंगो सड़ गए थे और तो, मतलब स्पॉइल खराब हो गए थे सड़ गए थे बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम लेकिन उसे तो पता है कि जो उसकी दादी आम का चाय बनाती है वो बहुत टाइम तक भी नहीं सड़ता तो वो कन्फ्यूज हो गई तो अब बोला है लेट लेटल स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आर होम अब घर पे फूड को प्रिजर्व करने के हम कुछ कॉमन मेथड्स पढ़ते हैं वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गैनिज्म हमें अपने फूड के को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से सेव से करके रखना पड़ता है केमिकल मेथड क्या है कि हम अपने खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं सॉल्ट है एडिबल ऑयल है ये कुछ कॉमिकल कॉमन केमिकल हैं जिससे हम माइक्रो ऑर्गैनिजम्स की ग्रोथ को चेक या फिर कंट्रोल कर सकते हैं देयर इनको हम प्रिजर्वेटिव बोलते हैं वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रीवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब तो हम क्या करते हैं जिसको भी हमें खाने जिस भी फूड को हमें प्रिजर्व करना है हम उसमें सॉल्ट या फिर एसिड विनेगर डाल सकते हैं जिससे कि पिकल्स में ठीक है जो सॉल्ट प्रिजर्वेटिव है ये जो एसिड प्रिजर्वेटिव है इसमें हम लोग इसको पिकल्स में डाल सकते हैं अचार में डाल सकते हैं जिससे कि उसमें माइक्रोव्स ना आ जाएँ सोडियम बेंजोईट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव तो सोडियम बेंजोइडम याद रखिए और सोडियम मेटाबाइसलफाइड ये कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिवस हैं दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वाशेज टू चेक देयर स्पॉयलेज तो जैम्स में भी बहुत सारे फूड में यूज़ किए जाते हैं उनकी स्पॉयलेज को चेक करने के लिए कंट्रोल करने के लिए हम कैसे कॉमन सॉल्ट से हम अपने फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं कॉमन सॉल्ट जो है वो यूज़ आता है मीट फिश को सदियों तक तो प्रिजर्व करके रखने में मीट और फिश जो है उसको सूखे हुए सॉल्ट से उसको कवर कर दिया जाता है जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल में ला जा लाया जा सके सॉल्ट जो है वो आ, आ, मतलब आमला और कच्चे आम और जो इमली होती है इन सबको भी प्रिजर्व करने में हेल्प करता है हमारी सॉल्ट अब हम शुगर से कैसे अपने फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं तो जैम्स हो गया जेली स्क्वाशेज ये जो हैं शुगर से प्रिजर्व करके रखे जाते हैं ठीक है शुगर क्या करता है रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर कंटेंट विच इनबिटेड इनहिबिट्स इन्हिबित द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विथ स्पॉइल फूड तो शुगर क्या करता है जो भी हमारा फूड है उसमें उसका मॉइस्चर कॉन्टेंट यानी कि नमी वाली जो चीज़ होती है वो कम कर देती है जिससे जो बैक्टीरिया हैं ऐसे फूड को स्पॉइल नहीं कर सकते अब हम ऑयल या फिर विनेगर से हम अपने एक ऐसे फूड को जो है रख सकते हैं प्रिजर्व करके सो so, ऑयल और विनेगर का यूज़ बहुत मतलब क्या करता है अचार को सड़ने से प्रिवेंट करता है क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते जहाँ पर ऑयल और विनेगर जैसी चीज़ हो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स फ़िश मीट जो है इनको भी हम लोग ऑयल या फिर विनेगर का यूज़ करके प्रिजर्व कर सकते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट तो आपने ऑब्जर्व किया होगा अपनी ममा को कि जो दूध उबालती हैं उसे स्टोर या फिर यूज़ करने से पहले अब कच्चा थोड़ी ना वो आपको देती हैं या फिर टी बनाने में यूज़ करती हैं तो क्या होता है बॉयल्ड के जो कोई भी जो चीज़ बॉयल्ड होती है ना उससे जो माइक्रो माइक्रोगैंडम्स जो है उसके ख़त्म हो जाते हैं लाइक कई जगहों पर पानी भी उबाल के पिया जाता है तो सिमिलरली हम अपने फूड को जो है रेफ्रिजरेटर में रखते हैं लो टेम्परेचर क्या करता है रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर रहता है उस पर माइक्रोब्स नहीं आ सकते हैं मतलब थोड़ा तो कम करता है ठीक है तो जो मिल्क का पैकेट जो वाइड कमिंग पैकेट नॉट स्पॉय मिल्क जो मिल्क पैकेट में आता है वो सड़ता क्यों नहीं है माय मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ प्रेशराइज प्रेशचराइजेशन क्या होता है उसकी ममा ने बताया कि मिल्क प्रेशराइज है प्रेशराइज क्या होता है ये तो प्रेशराइज मिल्क जो है कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्राम हार्मफुल माइक्रोब प्रेशराइज मिल्क जो है ना उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं आ सकते हम हम उसको बिना बॉयल किए भी हम उसको यूज कर सकते हैं राइट तो द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट सेवेंटी डिग्री सेल्सियस टू फॉर फिफ्टी टू थर्टी सेकेंड सेवेंटी डिग्री सेल्सियस पे मतलब मिल्क को पहले हीट किया जाता है पचास से तीस सेकेंड तक और उसके बाद बिल्कुल अचानक बिल्कुल ठंडी जगह पर उसको स्टोर करके रख दिया जाता है बाय डूइंग पहले ठंडा करके बिल्कुल उसे स्टोर कर दिया जाता है ऐसा करके माइक्रोब्स की हम ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं इस इस, 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 इस मतलब ये जो प्रोसेस है इसको ल्यूविस पेशचर ने डिस्कवर किया था तो इसका नाम भी पेस्टराइजेशन है अब स्टोरेज एंड पैकिंग तो आजकल ड्राई फ्रूट्स जो हो गए मेवे और वेजिटेबल्स भी एयर टाइट पैकेट्स में सील होकर बिक रही हैं ठीक है थीके? तो जिससे माइक्रोब्स का अटैक ना हो जाए नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं अब माइक्रोब्स हमारे लिए हमारे लिए नहीं प्लांट्स के लिए तो आपने बैक, बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में पढ़ा है राइजोबियम बैक्टीरिया ठीक है तो ये कहाँ होता है प्लांट्स में आप लोग ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स के किस पार्ट में होता है तो इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्युमिनियस प्लांट्स तो लेग्युमिनियस प्लांट्स में क्या होता है राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है रिकॉल दैट राइजोबियम lives इन द रूट नॉड्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियस plants तो so, इसमें आ गया है कि राइजोवियम कहाँ रहते हैं uh, न्यू जो रूट के नोड्यूल्स होते हैं नीचे जो होता है वहाँ पर uh, राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं लाइक like बीन्स हो गया पीज हो गया विद विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो आगे देखते हैं समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग नाइट्रोजन कभी कभी जब बिजली गिरती है तो उससे भी फिक्स हो जाता है लेकिन आपको पता है ना, नाइट्रोजन का जो अमाउंट है एटमोस्फेयर में वो कांस्टेंट ही रहता है अब सोच रहे हो कि कैसे तो देखिए आगे पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल कैसे मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बिल्कुल एक ही उसी मात्रा में रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में सेवेंटी एट परसेंट कितनी कौन सी गैस है नाइट्रोजन गैस है ठीक है नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंस में से एक एस एयर है तो एज पार्ट ऑफ प्रोटीन क्लोरोफिल न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिनस तो द एटमोसफेयर नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई दी एटमोसफेयर बाई दी प्लांट एंड एनिमल तो जो एटमोसफेयर में नाइट्रोजन uh, होती है उसको डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने डायरेक्टली अपने अंदर नहीं ले सकते हैं कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे लाइक हो गया वो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं यूजेबल फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से ठीक है फिर उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में चेंज किया जाता है एक बाई नाइट्रोजन जो है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको प्लांट सॉइल से उसको यूटिलाइज यानी कि यूज़ कर लेते हैं रूट सिस्टम से नाइट्रोजन जो है वो यूज़ की जा रही है प्लांट्स के द्वारा फूड सिंथेसिस कर फूड फोटो में ठीक है एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट डीज प्रोटीन जो एनिमल प्लांट्स खा रहे होते हैं उन्हें ये प्रोटीन्स मिल जाते हैं नाइट्रोजन और दूसरे प्रोटीन्स ठीक है जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं ब्लैक बैक्टीरिया फंगाई जो सॉइल में होते हैं वो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं और फिर उसको प्लांट यूज़ कर लेते हैं तो यही बिल्कुल एक तरीके से साइकिल चलती हुई होती है दूसरे बैक्टीरिया क्या करते हैं दूसरे पार्ट तो मतलब ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इन टू द एटमोस्फेयर तो वही नाइट्रोजन गैस को यूजेबल फॉर्म में उनका कन्वर्ट करने का काम रहता है एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ जो नाइट्रोजन की होती है एटमोसफेयर में वो कॉन्स्टेंट ही रहती है चैप्टर हम लोगों का यहाँ पर ख़त्म हो चुका है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच बाय बाय